साल बदल गया है, पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गुस्से का गदर अभी थमा नहीं है। हिंसा कम हुई लेकिन विरोध की आवाजें दबी नहीं। इससे पहले ये आवाजें मोदी सरकार का सिर दर्द और बढ़ाएं। बीजेपी ने कानून के समर्थन में मोर्चाबंदी का मेगा प्लान तैयार किया है, जिसकी झलक कानून मंत्री के बयान में भी दिख रही है। मैं कहना चाहूंगा, जो राज्य सरकारें इस तरह का दावा कर रही हैं या उनके प्रभाव से प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, वो कृपया करके उचित कानूनी राय लें। अगर कोई ये कहता है कि नागरिकता संशोधन कानून को हम लागू नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल असंवैधानिक बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कैंपेन, सड़क पर मोर्चा, जन जागरण अभियान। साल 2020 की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून को लोगों तक पहुंचाने का बड़ा प्लान तैयार किया है। आज शाम 6 बजे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा वडोदरा के स्वामी नारायण मंदिर ग्राउंड में जन जागरण अभियान के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में बीजेपी का मेगा अभियान 20 दिनों तक चलेगा। पार्टी घर घर जाकर नागरिकता कानून पर लोगों से बात करेगी। देश भर में 1000 रैलियों का कार्यक्रम है। 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हर जिले में रैलियां होंगी, बुद्धिजीवी सम्मेलन होंगे, पंचायत और वार्ड स्तर पर बैठकें होंगी। बीजेपी के नेता लोगों के बीच जाकर कानून पर बात करेंगे, उनके सवालों संशयों का जवाब देंगे। जन जागरण अभियान के पीछे बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस ने भी नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रम फैलाकर लोगों को भड़काया। सीए के नाम पे भड़काने की जगह लोगों को सच बताना चाहिए था। जिनको सच बताने की जिम्मेदारी है, उन्होंने झूठ फैलाने का काम किया। उसमें उसके कारण हिंसा हुई, उसमें जो लोग मारे गए उनकी मौत के लिए यह दल के नेता जिम्मेदार है जिन्होंने उकसाया। बीजेपी के अभियान के पीछे अमित शाह की रणनीति काम कर रही है। कल शाम ही बीजेपी दफ्तर पर अमित शाह ने जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, बीएल संतोष के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी की ओर से नागरिकता संशोधन कानून पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की बात हुई। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं के अलावा कई क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों को भी बीजेपी अपने अभियान का चेहरा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि पूरे देश भर में जन जागरण अभियान का कार्यक्रम किया जाए। इस जन जागरण अभियान के माध्यम से जहां देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, उसी के साथ साथ 850 जिलों में बुद्धिजीवी सम्मेलन, 850 जिलों में रैलियां निकाली जा रही, जन जागरण रैलियां निकाली जा रही हैं। बीजेपी जन जागरण अभियान को कांग्रेस के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल करने वाली है। लोगों के बीच जाकर कानून से जुड़े भ्रम तो दूर किए ही जाएंगे, इसके बहाने बीजेपी ये संदेश भी दे देगी कि भ्रम का माया जाल कांग्रेस का फैलाया हुआ है। दिल्ली से हिमांशु, नोएडा से भूपेंद्र, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।